दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि चाइनीज वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से सुबह 9 बजे साझा करेंगे वीडियो संदेश। जी हां, बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से सुबह 9 बजे बात करेंगे। पीएम मोदी का ये वीडियो संदेश होगा और इसके पहले पीएम मोदी ने 24 मार्च की शाम को देशवासियों से बात की थी और पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। और बता दें कि चाइनीज वायरस के संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और कई पर लापरवाही के चलते चाइनीज वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भारत में चाइनीज वायरस के अब तक 1965 मामलों की पुष्टि हुई है और देश भर में चाइनीज वायरस से 151 लोग ठीक कर दिए गए हैं और 24 घंटों में चाइनीज वायरस के नए मरीजों की संख्या 328 हो गई है और अब तक के 50 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि भारत में चाइनीज वायरस के पहले पीड़ित के दो महीने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 2000 पहुंच रही है और पिछले सप्ताह में 1000 चाइनीज वायरस से पीड़ितों की संख्या पार करने वाला भारत दुनिया के 20 देशों में शामिल हो चुका है और वहीं संक्रमित लोगों की संख्या और संक्रमण दर को लेकर भारत की स्थिति अभी काबू में की जा सकती है और सरकार भी इसे नियंत्रित सामुदायिक संक्रमण करार दे रही है। आपको बता दें कि देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और आज पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बीच चाइनीज वायरस खतरे को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि चाइनीज वायरस से मरीजों के लिए अलग और विशेष अस्पतालों की जरूरत है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। और अब बता दें कि गृह मंत्रालय का एक्शन, तबलीगी जमात के संबंध रखने वाले 960 विदेशी किए ब्लैकलिस्ट। आपको बता दें कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 960 विदेशियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उक्त सभी विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इन पर यह कार्रवाई विदेशी कानून 1946 फॉरनर्स एक्ट 1946 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को तोड़ने के आरोप में की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पर्यटक वीजा पर तबलीगी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इन सभी का भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भारत के कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन 960 विदेशियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें, वीजा रद्द करने के साथ ही इनको काली सूची में डाले जाने से अब इनके लिए देश के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और इससे पहले गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने 9000 तबलीगी जमात कार्यकर्ताओं और उनके संपर्कों की पहचान की है और उनको क्वारंटाइन में रखा है और इन 9000 लोगों में से 1306 विदेशी हैं जबकि बाकी भारतीय हैं। और अब अगली खबर बता दें कि चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में शाहरुख खान का बड़ा ऐलान, जारी किया 6 राज्यों में जरूरतमंदों की मदद का प्लान। जी हम बात कर रहे हैं कि देश इस वक्त चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में जुटा हुआ है और तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं और आम लोगों से लेकर खास तक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चैरिटी कर रहे हैं। और अब शाहरुख खान ने पूरे प्लान के साथ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। किंग खान ने अपनी विभिन्न कंपनियों और एनजीओ के जरिए देश के 6 राज्यों में जरूरतमंदों की मदद का विस्तृत प्लान जारी किया है। इनमें पीएम केयर्स और सीएम रिलीफ फंड भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को शाहरुख ने ट्वीट करके अपने प्लान को साझा किया और शाहरुख खान की ग्रुप कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है और साथ ही बताया गया है कि कौन सी कंपनी किस तरह चैरिटी के मिशन को आगे बढ़ाएगी। इसे शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा कि इस दौर में जो लोग
लोगों को जो आपके लिए अंथक काम कर रहे हैं, जो आपसे संबंधित भी नहीं, शायद आपसे अनजान भी हैं, उन्हें ये एहसास करवाना है कि वो अकेले नहीं हैं। आइए ये सुनिश्चित करें कि हम में से सभी अपना योगदान दें और एक दूसरे की देखभाल करें। भारत और सारे भारतीय एक परिवार है। शाहरुख ने इस ट्वीट के साथ जो प्लान शेयर किया है उसके मुताबिक उनकी IPL फ्रेंचाइजी कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स PMKS फंड के लिए योगदान देगी और इस कंपनी के स्वामी शाहरुख खान, गौरी खान, जूही चावला और जय मेहता हैं। और वहीं आपको बता दें कि शाहरुख और गौरी खान के स्वामित्व वाली फिल्म कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करेगी और KKR और शाहरुख खान के NGO पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार को 50,000 PPI यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मुहैया करवाएगी ताकि ये चाइनीज वायरस से जंग में जुटे विभिन्न विभागों के कर्मचारी सुरक्षित रह सके। और वहीं शाहरुख के NGO मीर फाउंडेशन एक साथ मिलकर एक महीने तक मुंबई में 5500 परिवारों के लिए एक महीने तक खाने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए एक रसोई का इंतजाम किया जाएगा जो प्रतिदिन 2000 मील अस्पतालों और घरों तक पहुँचाएगी। और अब अगली खबर बता दें कि चौथी पारी में बदले से शिवराज कामकाज में दिखाए तेवर, ऑन स्पॉट ले रहे हैं फैसले। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान इस बार बदले से हैं। कामकाज को लेकर सख्ती और जरा सी चूक पर सीधी कार्रवाई ये उनकी शैली बन गई है और अभी तक एक दर्जन अफसर उनके निशाने पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि सोर्स सिफारिश को दरकिनार कर सीधे फैसला वो भी ऑन स्पॉट हो रहे हैं और स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला को हटाया जाना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। और वहीं राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता हो या फिर इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव एक झटके में चलता कर दिया है और नगर निगम आयुक्त रीवा सभाजीत यादव को उनके लिए भी सजा देने में जरा भी देर नहीं लगाई गई है। जबकि चौहान को लेकर पिछली सरकार में विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। हालांकि ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि यह दौर अस्थाई है क्योंकि जब बात सत्ता संतुलन बनाने की आएगी तो कुछ अनचाहे समझौते भी करने होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि संतुलन और सामंजस्य बनाकर चलने वाले नेताओं में होती है और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी की पहली पसंद शिवराज ही रहे हैं और पिछले 3 कार्यकाल में अधिकारी उनसे इतने घुले मिले थे कि बेझिझक होकर आगे होकर अपनी बात रख दिया करते थे लेकिन इस बार उनकी कार्यप्रणाली देखकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गए हैं। और अब बता दें कि बिहार के मुस्लिम भाइयों ने पेश की मिसाल, चाइनीज वायरस के संकट से निजात को रखा रोजा। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस के संकट को लेकर पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है और उस पर मरकज प्रकरण ने हंगामा बर्पा दिया है लेकिन बिहार के कुछ मुस्लिम भाइयों ने मिसाल पेश की है और चाइनीज वायरस से निजात के लिए उन्होंने रोजा रखा है और एक 8 साल के बच्चे ने भी रोजा रखा है। रमजान नहीं होने के बाद भी चाइनीज वायरस से मुक्ति के लिए ये सब रोजा रख रहे हैं और इसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं और ये सबकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। रोजा करने वालों की संख्या भले ही छोटी है लेकिन इनकी सोच ऊंची और संदेश भरा है। और आपको बता दें पूर्वी चंपारण जिले की अरेराज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 स्थित इस्लामा नगर में करीब 3,000 लोग निवास करते हैं और इसमें अधिकतर मजदूरी कर रोजी रोटी चलाते हैं और चाइनीज वायरस के संकट से चलते लॉकडाउन का वे पूरा पालन कर रहे हैं और देश दुनिया को बीमारी से मुक्ति मिले इसके लिए कई मुस्लिम भाइयों ने रोजा रखा है और 24 मार्च को ऐनुल हक अंसारी व मुन्ना अंसारी जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि रेडियो से चलेगी सरकारी स्कूलों की 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, पढ़ेंगे पूरे बिहार के बच्चे। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अब रेडियो के माध्यम से अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति के बाद घर बैठे ही सरकारी स्कूल के बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी और बच्चों के लिए कक्षावार मटेरियल यूनिसेफ की मदद से तैयार किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह के मुताबिक सारे विषयों का विषयवार हर दिन का कंटेंट तैयार किया जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग कर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेडियो आज भी गांव-गांव तक में है और ऐसे में रेडियो के माध्यम से हम हर बच्चों तक सुविधा पहुंचा सकेंगे। इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।
और अब बता दें कि कर्मचारियों को ना तो नौकरी से निकाले और ना ही वेतन काटे, सरकार का प्राइवेट सेक्टर को है आदेश। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस के वजह से उपजे संकट से गरीबों मजदूरों के साथ व्यापार उद्योग और रोजगारों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों और कर्मचारियों के हित में दिशा निर्देश जारी किए हैं। और मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्विनी कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि असंगठित क्षेत्रों के कामगारों श्रमिकों को भी उनके मालिकों उद्योग व्यापार संचालकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान नौकरी से ना निकाला जाए और ना ही उनका वेतन काटा जाए। आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में भी ये समस्या ज्यादा सामने आती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए ये भी कहा है कि गुजरात सरकार केंद्र के साथ कदम ताल करते हुए हालात दुरुस्त करने के लगातार कोशिश कर रही है। बहरहाल यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक मुश्किलों से बेसहारा दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं के अलावा राज्य सरकार की समाज कल्याण योजनाओं के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को उबारने के लिए मुख्यमंत्री अप्रैल महीने की पेंशन एडवांस में देने का ऐलान भी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में ऐसे 13.66 लाख लाभार्थियों की अप्रैल महीने की पेंशन की कुल 221 करोड़ रुपए की रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई है। और अब बता दें कि मुंबई के धारावी में मिला चाइनीज वायरस का दूसरा मरीज, BMC का सफाई कर्मचारी है वो। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चाइनीज वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके धारावी में चाइनीज वायरस के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है, और BMC का एक 52 वर्षीय सफाई कर्मचारी चाइनीज वायरस पॉजिटिव मिला है, और वह वर्ली इलाके में रहता है लेकिन उसकी पोस्टिंग धारावी में थी, और ये जानकारी BMC अधिकारी द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई नगर निगम BMC के अधिकारी ने बताया कि चाइनीज वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने वाले 52 साल के इस शख्स में चाइनीज वायरस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद BMC अधिकारियों ने इलाज कराने की सलाह दी थी और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, और साथ ही सफाई कर्मचारी के परिवार के सदस्यों और 23 सहयोगियों को क्वारंटाइन होने को कहा गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें, और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चाइनीज वायरस के सामने पस्त हुआ सुपर पावर अमेरिका, 24 घंटे में 884 लोगों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। यहां बात करें कि दुनिया के सुपर पावर का खिताब हासिल करने वाला अमेरिका आज चाइनीज वायरस के सामने पस्त हो चुका है, और लगातार बढ़ रहे संक्रमण और मौत के आंकड़ों को रोकने में नाकाम अमेरिका ने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, लेकिन चाइनीज वायरस से मौत के मामलों में कमी आती नहीं दिख रही है और ना ही संक्रमण रुक रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में 2 लाख लोग चाइनीज वायरस से संक्रमित हैं, और वहीं मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। और आपको बता दें कि अमेरिका में 24 घंटे में 884 लोगों की मौत हुई है। चीन के वुहान से शुरू हुए चाइनीज वायरस के संक्रमण ने दुनिया भर को अपने कब्जे में कर लिया है, और चीन से ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, और अमेरिका के 100 के इतिहास में चाइनीज वायरस की त्रासदी सबसे बड़ी है। 9/11 से ही बड़ी विपदा और मौत चाइनीज वायरस के कारण हुए हैं, और अमेरिका में बुधवार को चाइनीज वायरस से मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक पहुंच गई है, और वहीं 24 घंटों में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 884 हो गई है। और अब बता दें कि चाइनीज वायरस ने पकड़ी रफ्तार, 4 दिन में दोगुने हुए मामले, और अब तक 2000 के करीब लोग चाइनीज वायरस से हैं संक्रमित। जी आपको बता दें कि भारत में चाइनीज वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और चाइनीज वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या में 4 दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और 4 दिनों में भारत में चाइनीज वायरस का संक्रमण के मामले दोगुने हो गए हैं, और ये संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। और आंकड़ों पर नजर डाले तो भारत में चाइनीज वायरस पीड़ितों की संख्या में 4 दिनों में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी हुई है, और सिर्फ बुधवार को यानी पिछले 24 घंटे में चाइनीज वायरस के 450 नए मामले सामने आए हैं, और सिर्फ तमिलनाडु में कुछ वार को 110 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देर रात तक देश में चाइनीज वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1996 तक पहुंच गई है, और मामले सामने आ चुके हैं। और अगर राज्यों पर एक नजर डालें तो मुंबई में भी चाइनीज वायरस के मामले तेजी से बढ़े, और एशिया की सबसे बड़ी
युगी में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। और वहीं पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 27 और केरल में 24 और मध्य प्रदेश में 20 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों की वजह से चाइनीज संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और माना जा रहा है कि दिल्ली में संख्या अभी और तेजी से बढ़ेगी। वहीं असम झारखंड में भी चाइनीज संक्रमण का पहला केस सामने आया है और असम में पहला केस सामने आने के 24 घंटे बाद 12 नए मामले सामने आ गए हैं और वहीं बिहार में 24 मामले सामने आ चुके हैं। और अब बता दें कि 100 सालों की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी ला रहा है चाइनीज वायरस, रहें तैयार। जी हम बात करें कि चाइनीज वायरस महामारी की वजह से दुनिया लगभग विनाशकारी मंदी की चपेट में है और इस बात की आशंकाएं बढ़ रही हैं कि मंदी महामारी की शुरुआत की तुलना में अब कहीं अधिक भयानक और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है, जो अगले साल और उसके आगे भी बरकरार रह सकती है। इसकी असल वजह सरकार द्वारा महामारी को फैलाने से रोकने के लिए कारोबारी गतिविधियों पर लगाई गई रोक है और वायरस को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे उपभोक्ता आधारित इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होती है और ये महामारी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। जब तक लोगों का आपस में संपर्क खतरनाक है तब तक कारोबार सामान्य नहीं हो सकता है, मगर अब स्थिति वैसी सामान्य नहीं हो सकती जैसी पहली थी। लोग अधिक भीड़ वाली जगह में जाने से बचेंगे जिसमें रेस्टोरेंट जैसी जगह शामिल है। कारोबारी गतिविधियों का अचानक रुक जाना आर्थिक हालात को काफी लंबे तक के लिए प्रभावित कर सकता है और पूरी दुनिया में इसकी रिकवरी में सालों लग सकते हैं। आपको बता दें कंपनियों को हो रहा नुकसान जिन पर पहले से ही कर्ज का दबाव है एक वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है। और अब बता दें कि नीतीश सरकार का फैसला, बिहार से बाहर रहने वाले राज्य के मजदूरों के खाते में डालेगी 1,000 रुपए। जी हम बात करें कि नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया है कि वह बिहार के बाहर रह रहे राज्यों के मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए डालेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि के रूप में 1,000 दी जाएगी और इसे प्राप्त करने के लिए aapdabhinik.com से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपने बारे में सूचना देनी होगी। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार हम लोगों ने एक ऐप का डिजाइन किया है और कई जगह से ये समस्या सामने आई कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के पास पैसे नहीं है और इस स्कीम में जो भी हमारे मजदूर भाई बिहार के बाहर है आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा, इसके अलावा मैं अपनी एक सेल्फी भी डाले। और आपको बता दें प्रत्यय अमृत ने बताया कि लोगों को बिहार में जो उनका पता है वो देना होगा और अकाउंट नंबर की जानकारी देनी होगी, इसके बाद यहां से प्रोसेस किया जाएगा और सीधे अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 30,000 लोगों ने खुद को रजिस्टर कर लिया है और ये संख्या और भी बढ़ेगी और इसके लिए हम तैयार हैं, ये देश में अपनी तरह का पहला स्कीम होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।